वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास टू SST। ओके एंड रीड। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें फूड की जरूरत होती है। ओके हमें फूड की जरूरत होती है लिव रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए। इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। यह हमें हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं। ओके ओके एंड फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और फूड हमें क्या देती है? एनर्जी देती है वर्क करने के लिए, किसी काम को करने के लिए और खेलने के लिए। नाउ वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग अपने जो सारे फूड्स होते हैं वो कहाँ से पाते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। और कहीं से पाते हैं? नहीं, ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके हियर द पिक्चर शोन। प्लांट से हम लोग क्या क्या पाते हैं और एनिमल से क्या क्या पाते हैं। ओके फर्स्ट प्लांट्स। प्लांट से हम लोग फ्रूट्स पाते हैं। ओके वेजिटेबल्स पाते हैं, पल्सेज पाते हैं, सेलेज पाते हैं। एंड एनिमल से काउ गॉड से हम लोग मिल्क पाते हैं। मिल्क से कर्ड बनती है, घी बनती है, आइसक्रीम बनती है एंड मेनी अदर थिंग्स। ओके और हेन एंड फिश से हम लोग मीट पाते हैं। ओके वी गेट मीट फ्रॉम हेन एंड फिश, ऑल्सो फ्रॉम गॉड। नाउ बेरली सेरलेस मैच ओट्स राइस एंड वेट आर ग्रेन्स। जो बेरली सेरलेस मैच ओट्स राइस एंड वेट, ये सब क्या है? अनाज है। ये सब क्या है? कच्चे अनाज है, आप इसे खा नहीं सकते। मकई, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब कच्चे अनाज है, इसे आप खा नहीं सकते। ओके इसके आगे भी बहुत सारे यूटिलाइज होते हैं, देन आपको यूज करते हैं। जैसे आप वेट की बात करें तो वेट को पहले पीसा जाता है, उसके बाद उसकी चपाती बनाई जाती है और हम चपाती खाते हैं, ना कि वेट। ओके एंड कार्डमम, गार्लिक, जिंजर, पेपर एंड टर्मरिक आर स्पीसीज एंड हर्ब्स। हर्ब्स आप लोग समझते हो, ये इनके पौधे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो पौधे, उन्हें हर्ब्स बोलते हैं। दे एड फ्लेवर एंड कलर टू आवर फूड। ये हमारे फूड्स में फ्लेवर टेस्ट डालते हैं और उनकी कलर बनाते हैं। कार्डमम मिस इलायची। ओके गार्लिक मतलब लहसुन, जिंजर आदि। ओके पेपर मतलब ये काली मिर्च। ओके टर्मरिक हल्दी। ओके स्पीसी एंड जो फूड आप जो फूड ईट करते हो वो तो आपके पास ऐसे ही नहीं चली आती, वो किसी प्रोसेस से आती होगी, मतलब कोई उसे उगाता होगा फिर वो आती होगी। ओके तो यहाँ पे हम बात करेंगे जर्नी ऑफ फूड की, मतलब फूड कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। फर्स्ट सीयर फार्मर ग्रोविंग फूड। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो फूड को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। क्रॉप पैक्ड इन बैग्स। क्रॉप जो होते हैं, क्रॉप्स वो मतलब अनाज, वो पैक्ड होते हैं किसमें? बैग्स में। बॉक्सेज एंड पैकेट्स ऑफ थिंग। बॉक्सेज जो होते हैं वो पैकेट्स और थिंग्स के होते हैं। एंड शॉपकीपर्स सेलिंग। और शॉपकीपर जो होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो उसे सेल करते हैं। नाउ स्टार्ट हियर रीडिंग। फार्मर ग्रो क्रॉप इन द फील्ड। फार्मर जो है अपने खेत में, फील्ड मतलब खेत, फील्ड मीन्स खेत। ओके जमीन या खेत। ग्रो क्रॉप क्रॉप्स इन
द फील्ड्स, वो जमीन में क्रॉप्स को उगाते हैं। वेन द क्रॉप्स आर रिप दे कट देम, जब क्रॉप्स पक जाते हैं तब उन्हें काटते हैं। ऐसा नहीं कि आज क्रॉप्स लगाए कल ही कर लिए, नहीं, जब क्रॉप्स पक जाते हैं, ठीक है, वो क्रॉप्स उसमें आ जाते हैं, अनाज उसमें आ जाते हैं, फिर उनकी कटाई होती है। द क्रॉप्स आर देन ड्राइड इन द सन एंड पैकेट इन सैक, उसके बाद अनाज को सूरज की धूप में सुखाया जाता है, ड्राइड मतलब सुखाना, ओके, ड्राइड एंड पैक्ड इन सैंक, और बोरी में पैक किया जाता है। सैंक मतलब, सैंक्स मतलब बोरी, सैंक्स है मतलब बोरिया। दे आर टेकन टू वेरियस प्लेसेस टू मेक डिफरेंट थिंग, और उन्हें अलग अलग जगह पे भेजा जाता है फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। नाउ दीज थिंग्स आर पैक्ड एंड सेंट टू द पीपुल हु सेल देम टू अस, और उसके बाद ये अलग अलग फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं जहाँ पे इसके वेरियस अदर अदर थिंग्स मेरे इसे कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद उस पैकेट्स को उन लोगों के पास भेजा जाता है जो इसे सेल करते हैं। वी बाई दिस थिंग फ्रॉम देम, और हम लोग उसे वहाँ से खरीदते हैं। लाइक आप अगर एक बिस्किट खरीदते हो तो बिस्किट पहले फार्मर्स जो है वेट को कहाँ पे अपने खेत में उगाते हैं, उसके बाद उसे पैक करके किसी फैक्ट्री वाले को देते हैं, देन फैक्ट्री वाले उसे बिस्किट में कन्वर्ट करके शॉपकीपर को देते हैं, एंड देन शॉपकीपर से आप खरीदते हैं, ओके। एंड नाउ फूड ग्रुप्स, फूड्स के जो ग्रुप्स होते हैं, समूह जो होते हैं, ओके, द फूड डैट वी ईट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फूड ग्रुप, जो हम लोग भोजन करते हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। ईच फूड ग्रुप इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, सभी फूड के जो ग्रुप होते हैं वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके नाउ रीडिंग दिस, वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग, वी डू, हमें एनर्जी चाहिए, ओके, हमें एनर्जी चाहिए फॉर एवरीथिंग वी डू, जो हम करना चाहते हैं उन सब के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। फूड डैट गिव अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जो फूड हमें एनर्जी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, ओके, उन्हें क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी गिविंग फूड, फूड डैट वी गिव अस एनर्जी, डैट फूड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। राइस पोटैटो शुगर एंड बटर गिव अस लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, राइस पोटैटो शुगर बटर ये हमें बहुत सारे एनर्जी देते हैं, ओके, बहुत एनर्जी देते हैं टू वर्क एंड प्ले। हियर पिक्चर इज राइस चावल पोटैटो आलू, हियर शुगर चीनी बटर मक्खन, ओके, डेट आर एनर्जी गिविंग फूड, ओके, डेट आर एनर्जी गिविंग फूड। एंड नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड, ये फूड जो है बॉडी को बनाते हैं, इस फूड को अगर आप ईट करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहोगे, बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके, बॉडी बनाने वाली भोजन। नाउ फूड डैट हेल्प आवर बोन्स एंड मसल्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फूड, ओके, फूड जो हमारे बोन्स हड्डी और मसल्स मतलब मांसपेशिया को ग्रो करने में जो मदद करते हैं, मांसपेशिया स्ट्रॉन्ग बनाने में जो मदद करते हैं, उस फूड को बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड। ग्रेन्स पीज पल्सेज मिल्क एग्स एंड मीट आर बॉडी बिल्डिंग फूड, ग्रेन्स अनाज पीज
मतलब मटर, पल्सेस, दाल, मिल्क, दूध, एग्स, अंडे एंड मीट आर बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, हियर पिक्चर इज शोन एंड आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज नोट डाउन द वर्ड मीनिंग एंड इफ यू हैव फेसेज एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कॉन्टेक्ट इन द ग्रुप. प्लीज मैसेज इन द ग्रुप एंड मैसेज ऑन माई टेलीग्राम अकाउंट. द अकाउंट नेम इज किशन महतो एंड आई हम्बली रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज नोट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डैट डैट आर इम्पोर्टेंट टू यू. अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.